गुड मॉर्निंग गाइस। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक हमारा बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चों कंपोनेंट मतलब होता है पार्ट्स, घटक। कैपिटल मतलब होता है वह पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्वरूप, एक आकार। मतलब बच्चों यहाँ पॉइंट क्या दिया है, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब अगर हम मार्केट में किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बच्चों कंपनी को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए। और कंपनी वह पैसा, वह फंड कितने तरीके से लेता है अपने पास। बच्चों कंपनी जब मार्केट में बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। और कंपनी कैपिटल का, पैसे का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता है अलग अलग तरीके से, उसे बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बच्चों कंपनी का जो रिक्वायरमेंट होता है पैसे का, वो कंपनी पूरा करता है इक्विटी शेयर के जरिए, प्रेफरेंस शेयर के जरिए, बॉन्ड के जरिए, डिबेंचर के जरिए, पब्लिक डिपॉजिट के जरिए, बैंक लोन के जरिए। तो ये बच्चों पूरा हमारा क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, कंपनी को जहाँ जहाँ से पैसा मिलेगा वह बच्चों क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ बच्चों अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। ओके, अ कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। बच्चों कंपनी जो होता है वह अलग अलग जगहों से वह पैसा लेता है। ओके, ओन कैपिटल जो उसका खुद का पैसा होता है, बोरोड कैपिटल जो मार्केट में लोगों से कर्जा लेता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड इन डिजायर प्रपोर्शन। बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट अलग अलग जगहों से कंपनी पैसा लेगा और बाद में उस पैसे को कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड इम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इंटरप्राइज। बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि वह पैसा जो हम लंबे समय तक के लिए बिजनेस के अंदर लगाते हैं, उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या क्या है। यहाँ बच्चों पहला हमें क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इट इज़ द बेसिस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। यह बच्चों सबसे बेस है, यह सबसे मेन, सबसे कंपलसरी है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर आर शेयर विच गेट डिवाइडेड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, दे बियर द रिस्क ऑफ द कंपनी। बच्चों इक्विटी शेयर जो होता है वह मेन पैसा होता है, मेन कैपिटल होता है, वह बेसिक परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी के लिए। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसे बच्चों जो डिविडेंट होता है वह बाद में दिया जाता है। सबसे पहले जो डिविडेंट होता है, सबसे पहले जो पैसा रिफंड होता है, वह प्रिफरेंस शेयर होल्डर को किया जाता है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो मेन ओनर, मैनेजर और कंट्रोलर होते हैं कंपनी के। और सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है बच्चों, वो भी कौन झेलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, डन बच्चों। आगे वहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। प्रिफरेंस शेयर गेट प्रिफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बच्चों प्रिफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है, प्रिफरेंशियल राइट, उन्हें सबसे पहले अधिकार दिया जाता है डिविडेंड को लेकर और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल को लेके। अगर बच्चों कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा, प्रिफरेंस शेयर होल्डर को। अगर बच्चों कंपनी बंद हो रहा है तो सबसे पहले पैसा रिटर्न किया जाएगा प्रिफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो यही बच्चों डिफरेंस है इक्विटी शेयर को लेकर और प्रिफरेंस शेयर को लेके। मतलब बच्चों सबसे पहले अधिकार किसको मिलता है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर को, और सेकेंड नंबर पर अधिकार किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर चाहे डिविडेंड हो गया या चाहे कैपिटल हो गया, दोनों चीज़ को लेकर। ओके, अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों हमारे पास सिर्फ, बस हमारे पास ओनली, वी हैव ओनली 4 पॉइंट्स। ये हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया था, इसको आप लोग मत ध्यान दो। ओके,
रिटेन अर्निंग, बच्चों क्या होता है रिटेन अर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रिटेन अर्निंग को बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, या तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ओके। और रिटेन अर्निंग क्या होता है बच्चों, आपकी एक कंपनी है, 10 साल से मार्केट में वह कंपनी रन हो रहा है, हर साल आप 1-1 लाख रुपया क्या कर रहे हो, कंपनी का प्रॉफिट सेव कर रहे हो, मतलब बच्चों 10 साल का कितना हो गया, 10 लाख रुपया। आगे चल के अगर कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करोगे, उस पैसे को इस्तेमाल करोगे, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग, या तो उसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, या तो उसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ओके। मतलब बच्चों इट इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, इट इज़ नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये बच्चों होता है इंटरनल सोर्स, ओके। यहाँ कंपनी के पास पहले का जो भी पैसा पड़ा हुआ है वह कंपनी बच्चों यहाँ पे इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर, ओके। आगे बच्चों हमें यहाँ पे क्या दिया है, बोरोड कैपिटल, ओके। बोरोड मतलब क्या होता है, कर्जा लेना, उधार लेना, उसको बच्चों हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल, ओके। बच्चों बोरोड हमारा क्या है, डिबेंचर, इट इज़ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज बाय कंपनी, कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट। बच्चों यहाँ पे डिबेंचर में क्या होता है, कंपनी मार्केट में डिबेंचर सेल करता है और डिबेंचर के जरिए जो पैसा मिलेगा कंपनी उस पे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करता है। अगर आप डिबेंचर परचेस किए आप बच्चों क्या हो जाओगे, डिबेंचर होल्डर, और आपसे कंपनी ने जितना भी पैसा लिया है उस पैसे के ऊपर कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगा, ओके। आगे बच्चों यहाँ पे क्या दिया, टर्म लोन, ओके। टर्म लोन बच्चों क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए लोन लेना। टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बच्चों टर्म लोन जो होता है वह बैंक देता है या तो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं। टर्म लोन बच्चों जो होता है वो 3 टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होता है 1-2 साल के लिए, मीडियम टर्म जो होता है 2-5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म जो होता है 5 साल या उससे ज़्यादा साल के लिए। जो लोन लिया जाता है उसको डिवाइड किया गया है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन में, ओके। देन एवरीवन, और बच्चों एक और हमारा है बॉन्ड, BOND, बॉन्ड, ओके। बच्चों बॉन्ड भी क्या होता है, एक प्रकार का लोन होता है। कंपनी मार्केट में बॉन्ड सेल करता है और कंपनी जब बॉन्ड सेल करेगा तो बच्चों कंपनी को पैसा मिलेगा और कंपनी बॉन्ड के ऊपर लोगों को पे करता है इंटरेस्ट, ओके। मतलब बच्चों ये भी हमारा क्या हो गया, बोरोड कैपिटल हो गया, ओके। एक और बच्चों हमारा है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट, ओके। बच्चों एक हमारा और क्या है, बोरोड कैपिटल बच्चों में एक और देखने को मिलता है, पब्लिक डिपॉजिट। ये बच्चों 3 महीने से लेके 36 महीने तक कंपनी जो पैसा डिपॉजिट करेगा उसे बोलते हैं हम लोग पब्लिक डिपॉजिट। देन एवरीवन, ये बच्चों बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है पब्लिक डिपॉजिट। ये मोस्टली 1.5-2 साल के लिए कंपनी लोगों से पैसा लेता है और कंपनी बाद में पैसा वह लोगों को रिटर्न करता है इंटरेस्ट के साथ में, ओके। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसके जरिए कंपनी को मार्केट में पैसा मिलता है, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। तो बच्चों आपको क्या करना है, पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है, पूरा लिखना है, समझना है, आपको अच्छे से याद करना है, ओके। गुड बाय, टेक केयर।